हमारे YouTube चैनल RM न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। भारत को कुपोषण मुक्त करना है, तो हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक देशवासी को महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, स्वास्थ्य संतुलित हो, आहार स्वस्थ आहार लें, अनेक बीमारियों से बचें। कदम कदम बढ़ाए जा, जंग खून को भगाए जा, शरीर रहे तंदुरुस्त, सही आहार हमें बनाए चुस्त, ये कुपोषण से संबंधित रैली थी। इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक सभी को कुपोषण मुक्त करना है, विशेषकर बच्चों एवं जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए ICDS की तरफ से ICDS कार्यक्रम में उन लोगों को पोषक आहार दिए जाते हैं, फिर भी कुछ बच्चे कुपोषित रहते हैं, तो उन बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और कहा जाता है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक एक अच्छे बच्चे के स्वस्थ के विषय में हम कुछ भी नहीं आगे कर सकते। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सभी बच्चों को स्वस्थ रखें और भारत को कुपोषण मुक्त करें। Thank you.